गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 5। चलो आज हम नया पाठ सीखेंगे, पाठ 5 चिड़ियाघर की सैर। चलो यहाँ पे देखो, कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत ही भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए, काले मुँह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह बंदर है, लंगूर है। लंगूर का मुँह काला होता है। वह एक जगह गेंडा दिखाई दिया, उसके नाक पर बड़ा सा सिंह था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराब धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई और वहाँ रीछ दो पैर पर खड़ा था। रीछ यानी भालू। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और शील स्वान यानी कि जो हंस होते हैं वो तैर रहे थे। गीता दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी वह देखिए, पत्थर चल रहा है। दादाजी ने उसे समझाते हुए बोले, पिटिया वह कछुआ है। जब उसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े से तालाब में मगरमच्छ तैर रहे थे। जैसे ही मगरमच्छ ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी चिड़ियाँ थी। गीता ने खुशी से तालियाँ बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। दादाजी ने कहा, और उधर देखो, वह सफ़ेद रंग का विदेशी तोता है, उसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी वह कुछ चिड़िया तो हमारे घर के आसपास भी दिखाई देती है। जैसे पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी करते हैं। सामने आइसक्रीम का ठेला था। दादाजी ने अपनी लाठी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदा। अब तक दोनों थक चुके थे। चिड़ियाघर के गेट से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। चलो ये तो हुई चिड़ियाघर की बात, अब उसके शब्दार्थ देखते हैं। चिड़ियाघर, वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। बाड़ा यानी गिरा हुआ स्थान। खोल यानी कछुए के ऊपर का सख्त भाग। लंगूर, एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुँह काला और पूँछ लंबी होती है। हरियल यानी हरे रंग वाला। चलो अब हम अभ्यास देखेंगे, ऊंची आवाज से पढ़िए। यह क्ष है, क्ष से रक्षक, रक्षा, पक्षी, इस तरह से पढ़ते हैं। त्र तो पत्र, नेत्र, पुत्र। ज्ञ तो आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। स्र श्रम, परिश्रम, विश्राम। उसी तरह से पढ़िए और लिखिए। देखो मक्खन, मक्खी, क और ख को मिला के हम इस तरह से पढ़ते हैं। मच्छर, मगरमच्छ, तो च और छ को मिला के पढ़ना है। चिट्ठी, गट्ठर, तो ट और ठ को मिलाकर पढ़ना है। तो यह आपकी वर्कबुक में वर्क है, वो आप उसी में करना। निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ अजब, कुछ गजब। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को एक मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारी यानी मानव शरीर की नाक और कान दो ऐसे अंग हैं जिसका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। चलो छोटे बच्चे और वयस्कों की पलके झपकने में क्या अंतर है, तो यह अंतर हमें ऊपर दिए है, वही आंसर हमें
वर्कबुक में भी करने हैं तो मैं उसमें आपको करवा दूंगी। ओके, फिर हम आगे यहाँ पे स्वाध्याय देखेंगे। चलो, स्वाध्याय है प्रश्न के उत्तर दीजिए। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो चिड़ियाघर की सैर के लिए दादाजी और गीता आए थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था? तालाब में मगरमच्छ थे। और फिर दूसरा जवाब ये भी आ सकता है कि तालाब में मछलियाँ और हंस थे। फिर गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने कछुए को पत्थर बताया। कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक उसकी खोल है। विदेशी पक्षी का नाम क्या था? विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। सबसे बड़ा पक्षी का नाम लिखिए, तो सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। चलो, अब आप लोगों को आपके वर्कबुक में जो वर्क करना है उसकी फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगी, तो आप उसी में से देख के आपका वर्कबुक का वर्क कंप्लीट करना, ठीक है? चलो, वर्कबुक में थोड़ा सा वर्क हम समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे पहचानिए और विधान के सामने कोष्टक में से उचित नाम लिखिए। मेरी नाक पर एक सींग है तो वो कौन है? गेंडा। मेरी गर्दन लंबी है तो वो है जिराफ। मैं एक हिंसक जानवर हूँ जो दो पैर पर चल सकता हूँ तो उसका नाम है भालू। मेरा मुंह काला है तो वो कौन है? लंगूर। मेरा खोल पत्थर जैसा है तो कछुआ। मैं पंख फैलाकर नाचता हूँ तो मोर। और मुझे एक लंबी सूंड है तो उसका नाम है हाथी। तो इस तरह से आपको वर्कबुक में यहाँ सामने ऐसे नाम लिखने हैं। चलो, अब देखो, मैंने ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में समझाया था ना, तो उसी तरह से आपको ये बोलना है और फिर यही शब्द आपको नीचे जो जगह है उसमें लिखने हैं। ओके, तो इस तरह से ये जो पेज है पूरा उसी तरह से आपको देख देख के नीचे जगह में लिखना होगा। ओके, चलो आगे का वर्क देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। चिड़ियाघर में जाकर जो करना चाहिए उसके सामने राइट का और जो नहीं करना चाहिए उसके सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। चलो, नवीन पिंजरे से काफ़ी दूर रहकर जानवर देखता है तो वो सही बात है तो उसमें राइट करो। अरुणा जानवर के पास जाकर चिल्लाती है तो क्रॉस करो। शिल्पा जानवरों की ओर कंकड़ फेंकती है, वो भी हमें नहीं करना चाहिए तो उसमें भी हमें क्रॉस लगाना है। राजू जानवरों को चिढ़ाता है तो उसमें भी आपको क्रॉस करना है। अनिल चुपचाप जानवरों को देखता है और आगे निकल जाता है तो वो सही बात है तो उसमें राइट करो। गीता बंदर के पिंजरे में केला फेंकती है तो वो हमें चिड़ियाघर में कोई भी जानवर को कुछ खिलाना नहीं होता तो उसमें भी हमें क्रॉस करना है। चलो, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर क्रम अक्षर प्रश्न के सामने लिखिए। आपको क्या करना है बच्चों, देखो, इसमें इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है? यहाँ पे तीन जो शब्द दिए हैं उसका अर्थ यही होता है, पर एक जो शब्द है उसका अर्थ ये नहीं होगा। जैसे मना, तो उसका शब्द भी मनाही होता है। निषेध यानी भी मनाही, और रोक वो भी मनाही शब्द का अर्थ है, पर ये मन, जो ये मन है वो उसके अर्थ से अलग है, इसलिए हम यहाँ पे आंसर सी लिखेंगे। उसी तरह से इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ नहीं है? तो देखो, आवरण, कवच, कांच और बख्तर, तो इन तीन में से आवरण, कवच और बख्तर वो तीनों का अर्थ खोल होता है, पर कांच का अर्थ खोल होता नहीं है, तो हम यहाँ पे आंसर सी लिखेंगे। चलो, गेंडे की नाक पर डैश होता है, कान, सींग, टीका या पैर, तो सींग होता है ना, तो हम बी लिखेंगे, सींग। शुतुरमुर्ग सबसे डैश पक्षी है, छोटा, लंबा, बड़ा या मोटा, तो सबसे बड़ा पक्षी, तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे। चलो, अब नीचे देखो, वाक्यांश सही चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। छोटे बच्चों की पलकें एक मिनट में कितनी बार झपकती है? तीन बार, चार बार या एक से दो बार? तो एक से दो बार झपकती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में कितने घंटे लगते हैं? देखो, चार घंटे, आठ घंटे या बारह घंटे? तो आंसर रहेगा बारह घंटे। तो इस तरह से बच्चों आपको मैंने ओरली जो
थोड़े विकल्प थे वो समझा दिए हैं, बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है उसकी फोटो